बीच में जुलाई में मेरे पापा का डेथ भी हो गया। मेरा तो फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने सिटी से बाहर निकली हूँ, तो और भी कॉलेजेस का अपॉर्चुनिटी तो था, हर जगह सरसर तो नहीं होता है ना। चलिए लिमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं 22 की, जिनकी 285 रैंक है, सुरभि, जो कि हजारीबाग झारखंड से हैं। तो सुरभि, सबसे पहले 285 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो सुरभि जो है भोपाल क्लासरूम की स्टूडेंट्स हैं, और सुरभि ने एक साल यहाँ रह के पढ़ाई की, काफी मेहनत की और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। बीच में बहुत सारी कंडीशन ऐसी हुई जो कि काफी टफ थी सिचुएशन, पर इसने हैंडल किया और उसके बाद ये रैंक अचीव की। तो सुरभि, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सफलता है, जो सक्सेस है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? बहुत लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स का कई बार निकलना मुश्किल होता है, और आप यहाँ तक आए फिर अपनी पढ़ाई की, तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? तो मायसेल्फ सुरभि गुप्ता फ्रॉम झारखंड हजारीबाग। मैं एक स्मॉल टाउन सिटी से हूँ जो हजारीबाग है, और मेरा जो BCA था ग्रेजुएशन वो सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से ही है। तो मुझे निमसेट के बारे में ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से ही पता चला था। उसमें सर का 2019 का अवार्ड सेरेमनी का वीडियो आ रहा था, तो उसी के थ्रू सर के बारे में पता चला था। तो मम्मी को फिर इसके बारे में बताया कि BCA के बाद MCA भी होता है, तो मम्मी बोली कि तुम देख लो क्या करना है। तो फिर वही सर से बात हुआ, फिर सर बोले कि हाँ मतलब सर बोले कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर लो। तो फिर ज्वाइन कर लिया। फिर उस टाइम तो ऑनलाइन ही थे, फिर ऑनलाइन 21 में मेरे को एग्जाम देना था, तो ऑनलाइन कोर्स तो ले लिए थे, प्रिपरेशन भी हो रहा था। उसके बाद फिर मई में एग्जाम होने का था, तो फिर कोविड आ गया था, तो पोस्टपोन्ड हो गया। फिर अगस्त हो गया था, फिर बीच में जुलाई में मेरे पापा का डेथ भी हो गया, तो कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका था। पर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, वो हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, तो वो अपने स्ट्रांग रही और हम लोग सबको, मेरे को, मेरे भाई को, मेरे फैमिली को वो सपोर्ट की और मुझे बोली कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाओ एग्ज़ाम देने। फिर अगस्त में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, थोड़ा क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे, थोड़ा नर्वस भी थे, प्रेशर भी था, तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। तो पता था कि रिजल्ट उस नहीं आएगा अच्छा, फिर भी मेरी रैंक 998 आई थी, तो पता था कि कॉलेज तो कुछ मिलने का है नहीं। फिर भी कुछ टाइम तक वेट किए थे, फिर कुछ मिला नहीं। फिर ऐसा था कंडीशन की मम्मी बोली थी कि कोई ड्रॉप मत लेना, मतलब जो मिले ले लेना कॉलेज। तो और भी कॉलेजेस का अपॉर्चुनिटी तो था, पर मुझे था कि कभी लाइफ में ड्रॉप लिए नहीं, ग्रेजुएशन में कभी ड्रॉप लिए नहीं, ट्वेल्थ के बाद कुछ ड्रॉप तो लिए नहीं, तो एक ड्रॉप लेने में कुछ होता नहीं है, एक ड्रॉप ले लेते देखते क्या होता है। तो फिर सर से भी बात हुई थी, तो सर ने भी बोला कि हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आप ले लो और भोपाल आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर हम लोग घर पे बहुत डिसाइड किए, फिर मम्मी भी बोली ठीक है एक ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकती हो तो ले लो। फिर भोपाल आ गए, फिर सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, और सर ने तो हर तरह से मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम। फिर भोपाल में नवंबर में आ गए थे, तो नवंबर में मेरा यहाँ आने के बाद फिर मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गया, और मतलब बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन तो आया, मतलब यहाँ पे बहुत तरह से सरवाइव करना पड़ा था, पर हर चीज मैनेज हो गया। देखिए, अभी जो सुरभि ने बात बोली मैं बताता हूँ, इसकी लास्ट ईयर 900 के आसपास रैंक थी। फादर बीच में एक्सीडेंट के वजह से एक्सपायर हो गए, ये बहुत बड़ा झटका था इन बच्चों के लिए। और मदर इनकी बहुत स्ट्रांग है, वो हर बार इसको छोड़ने आई, मैं मिला हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले मदर को भी आपको बोलूंगा कि उनका बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट है, उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, एक तो पूरा बिजनेस संभाला और ये डिसाइड था कि सर जो हुआ वो तो हो गया, उसको उसको सोच के कुछ हो नहीं सकता, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं। तो क्योंकि ये सब उसी समय की बात थी, ये सब चल रहा था, फिर इसने ड्रॉप लिया और देखिए आज आपके सामने इतनी अच्छी रैंक है। तो ये एक आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट में जितना आपका रोल है उतना ही आपकी मदर का भी है। अच्छा, आप ये बताओ, बाहर से घर से निकलना कई बार मुश्किल होता है, कई बार ड्रॉप के डिसीजन में आपके रिलेटिव्स भी सपोर्ट नहीं करते, तो वो कैसे फाइट किया, और आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो भोपाल आने का मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने सिटी से बाहर निकली हूँ, क्योंकि मेरा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ मेरा हजारीबाग में ही हुआ, तो मेरे लिए था मतलब फर्स्ट टाइम बाहर, तो कभी ट्रैवल किए नहीं, कभी रहे नहीं है, तो पेरेंट्स को भी था कि पता नहीं
कैसे रहेगी, क्या करेगी, मेरे को भी था कि पता नहीं हम क्या करें। फिर ये था कि जो होगा देख लेंगे, चलते एक ना एक दिन तो मुझे बाहर जाना ही है, अभी नहीं गया तो फिर बाद में तो जाना ही है, तो फिर इसी से आ गया था। हाँ, फैमिली वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे भी तो कोर्स होता है, यहीं पे कर लो, भोपाल जाने का क्या जरूरत है, पर हर जगह सरसर तो नहीं होते ना। तो फिर सर को ही देख के, सर भोपाल में थे तो भोपाल हम भी पहुंच गए। तो यहाँ पे भोपाल आने के बाद मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, नीतू है, प्रतीक्षा है, कृष्णा है, नगमा है, मतलब बहुत सारे दोस्त बने मेरे। हम लोग हमेशा चिल आउट करते थे, हमेशा मतलब इतना कभी हम लोग स्ट्रेस लेके पढ़े ही नहीं है। ऐसा था कि मतलब यहाँ पे सब पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे एक है टाइम टेबल कि आपको मॉर्निंग में आना है और फिर शाम में जाना है, एक सेशन होता है प्रॉपर, कभी प्रेशर लिया ही नहीं। तो शायद इसलिए इसलिए मेरे को एग्जाम में प्रेशर हुआ नहीं और मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था। पर हाँ, मेरा एक्यूरेसी कभी था नहीं, मॉक में भी मैं देती थी तो मेरा एक्यूरेसी कभी मेंटेन हुआ ही नहीं है। तो मुझे डर था कि हाँ, एक अगर मेरा कुछ कम रैंक आएगा या मार्क्स कम आएगा तो वो सिर्फ एक्यूरेसी के कारण है, और वही हुआ कि एक्यूरेसी के कारण ही मेरा थोड़ा कम रैंक आया, पर इसमें भी हम खुश हैं। देखिए, अभी जो बातें सुरभि ने बोली कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ पढ़ाई कभी स्ट्रेस लेके नहीं करना चाहिए। इसने बहुत स्मूथली पढ़ाई की, वैसे भी इम्पीटस का एटमोसफेयर ऐसे ही है कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, स्ट्रेस लिए बिना कर सकता है। और आप जितना अच्छा स्ट्रेस के बिना पेपर दे सकते हैं, स्ट्रेस के साथ नहीं दे सकते। एक्यूरेसी की एक्चुअल में भी प्रॉब्लम थी और कुछ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा गलत हो गए, नहीं तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि 285 की जगह हो सकता 100 या 200 के रैंक में होते। बट एनीवे, आपकी अच्छी रैंक है और अच्छी बात है आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं अभी भी इसमें खुश हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कहाँ गड़बड़ कर दी। तो आपने बहुत मेहनत की, आपने यहाँ अच्छा एक एटमोसफियर रहा, आपके अच्छे दोस्त बने। चलो, वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।